इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। वैसे भी सियासी माहौल रमेश जारकिहोली के सीढ़ी मामले को लेकर गर्मा हुआ है। अब ऊंट किस करवट बैठता है, इसे देखना होगा। क्या मामला दबा दिया जाएगा या इस सीढ़ी से हुकूमत की बुनियादें हिलने वाली है, अभी कुछ कहना मुश्किल होगा, क्योंकि सियासत में कुछ भी हो सकता है। कौन किस पार्टी में जाएगा, किस हुकूमत को गिराएगा, कह नहीं सकते, क्योंकि सियासत अब उसूलों वाली नहीं रही। खैर, इसी के दरमियान कांग्रेस और भाजपा की जानिब से लोकसभा के इंतखाबात के लिए नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। वही कारपोरेशन इंतखाबात की सुनवाई भी मुलतवी की गई है। वाजा रहे कि वार्ड की तामीर न पर सभी कारपोरेटरों ने अदालत में पिटीशन दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई बरोज जुमेरात होनी थी, पर इसे मुलतवी किया गया। पिछली मरतबा वार्ड रिजर्वेशन के मद्देनजर जिन्हें एतराजात दर्ज करने हैं 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया था, लिहाजा जुमेरात को फैसला होना था, पर इस बार भी मुलतवी होने से ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेशन चुनाव कुछ महीनों के लिए मुलतवी किया जाएगा। रिहायशी शहरों में बेलगाम का नंबर अब 47 नंबर पर पहुंच गया। वैसे स्मार्ट सिटी के मातहत बेलगाम शहर के तरक्याती कामों की रफ्तार कुछ धीमी नजर आ रही है। वैसे बेलगाम शहर पहले सबसे पसंदीदा शहर के तौर पर देखा जाता था। कर्नाटक में बेंगलोर मैसूर के बाद बेलगाम ही एक शहर था जहां पर आवाम रिहायश गाह बनाने के लिए पसंद करती थी। वैसे भी यहां की फिजा, पानी, रेल, हवाई जहाज की सहूलतों के मद्देनजर और गोवा महाराष्ट्र की सरहदों से सटा हुआ शहर हमेशा आवाम की पसंद का रहा, पर पिछले कुछ सालों में रियासत के दिगर शहरों ने बेलगाम से भी बेहतर कामों को अंजाम दिया। लिहाजा बेलगाम स्मार्ट सिटी के बाद तमाम तस्वीर ही बदल जाएगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा था, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के कामों को बेलगाम से भी बेहतर तरीके से दावणगेरे और दिगर शहरों में कामों को अंजाम दिया जा रहा है। ये भी तवज्जो की बात है कि दावणगेरे को 9वां नंबर हासिल हुआ है, जबकि बेलगाम को 47वां नंबर मिला हुआ है। 2018 में तमाम शहरों का सर्वे किया गया था, उस वक्त 52 नंबर हासिल हुआ था। एक और फेरिस्त जिसमें कॉर्पोरेशन के तौर पर बेहतरीन कामों को अंजाम देने वाले शहरों में बेलगाम को 33वां नंबर हासिल हुआ है। इस फहरिस्त में इंदौर पहले नंबर पर। रमेश जारकीवाली पर फर्जी वीडियो बनाकर इल्जाम लगाया जा रहा है और बदनामी की साजिश की जा रही है, लिहाजा इस पर सीबीआई की तफ्तीश की जाए, ऐसी मांग रमेश जारकीवाली हिमायतों की जानिब से की गई। उन्होंने ये भी कहा कि रमेश जारकीवाली पर महज इंतकामी कार्रवाई के तहत सीढ़ी कांड को अंजाम दिया गया, लिहाजा इसकी मुकम्मल तफ्तीश को अंजाम दिया जाए। रमेश जारकीवाली बेगुनाह और वजीर आला येडियुरप्पा को चाहिए कि साजिश करने वालों पर कार्रवाई करे। रानी चन्नम्मा सर्कल में एहतजाज किया गया और साबिक वजीर रमेश जारकीवाली के हक में नारेबाजी की गई और दिनेश कलाली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। एहतजाज बेलगाम ग्रामीण के पृथ्वी सिंह और सुंटकर की जानिब से अमल में लाया गया। इसी तरह से आज गोकाक में भी रमेश जारकीहोली हिमायतों की जानिब से एहतजाज किया गया और फर्जी वीडियो में फंसाने की साजिश कहा गया। लिहाजा आज बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसमें एक ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसमें उस शख्स के 2 पांव जल गए हैं, लिहाजा जख्मी को गोकाक सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया। एहतजाजियों ने सीबीआई जांच की मांग की। पुरानी रिक्शा को ही नए पुर्जे जोड़कर नई रिक्शा बताकर इसे बेचने वालों को खड़े बाजार पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार किया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक विजय लालवानी को सतीश देवगोड़ी, रोहित अग्रवाल, समीर डांगे और अशफाक व्यापारी ने पुरानी रिक्शा को नहीं बताकर बेच दिया, पर जब आरटीओ में रजिस्ट्रेशन के दौरान मामला मंजर आम पर आया कि पुरानी ऑटो की चस्सी को स्क्रैप से लेकर कुछ पुर्जों को जोड़कर रिक्शा बनाई गई और इसे बेच दिया गया, लिहाजा धोखाधड़ी के मामले में खड़े बाजार पुलिस थाने में मामले को दर्ज किया गया। विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में करोड़ों का गफला हुआ है। यूनिवर्सिटी के तमाम जिम्मेदारान की
तहकीक और तफ्तीश के बाद इनके फौरी तौर पर गिरफ्तारी की जाए इस मांग मुख्तलिफ दलित तंजीमों की जानिब से की गई, जिसमें खास तौर पर समता सैनिक दल, फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से की गई। वीडियो में हमेशा कुछ ना कुछ गैर कानूनी होता रहता है, लिहाजा इसके बावजूद भी इनकी तफ्तीश क्यों नहीं की जाती। महज इश्तेहारात के लिए 109 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। गफलों की इंक्वायरी जल्द की जाए और मुजरिमों को जेर बंद किया जाए, ऐसा मुतालबा किया गया तंजीमों की जानिब से। डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश किया गया। इस वक्त फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जिम्मेदारान मौजूद हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।